इंदौर में होने वाले प्रवासी सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में लगातार बैठक ले रहे हैं और आगामी 22 तारीख को मुख्यमंत्री इंदौर में होने वाले आयोजन को लेकर एक बैठक लेंगे, जिसको लेकर रिव्यू मीटिंग रखी गई। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जानकारी देते हुए पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के मुताबिक सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बाहर से आने वाले हजारों मेहमानों के लिए उनके रहन सहन के लिए होटल की व्यवस्था है। साथ ही सीएम के निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों के स्वाद को देखते हुए खाने की व्यवस्थाएं सहित कई बिंदुओं पर बैठक में आज चर्चा हुई। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष कई तरह के सुझाव भी रखे, जहाँ बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, डॉक्टर पवन शर्मा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जयपाल सिंह चावड़ा सहित कई लोग मौजूद रहे। बताना चाहेंगे कि इंदौर में प्रवासी सम्मेलन होने को है, जहां देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि सम्मेलन में आएंगे, तो वहीं विदेशों में रहने वाले अप्रवासी जन भी सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसको लेकर शहर में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बैठकें ले रहे हैं भोपाल में, और जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनकी इच्छा है और जो व्यवस्थाएं चाहते हैं, उसको लेकर के एक रिव्यू मीटिंग हम लोग रखी थी। उसमें सभी, चूँकि 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी बैठक करने वाले हैं इसमें, इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सभी पॉइंट्स जानकारी में रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं वो सब भी सबके संज्ञान में रहे, उसके सॉल्यूशंस भी हम लोग निकाले जो भी निर्देश आ चुके हैं, उस सब के लिए डिटेल एक आज बैठक रखी थी, जिसमें कि बुकिंग्स को लेकर जो इशूज़ आ रहे हैं होटल्स के, उसके बारे में चर्चा की गई। जो ऑनरेबल सीएम ने बोला है कि जो फूड व्यवस्था जो MPITCU करनी है, उसमें पूरे मध्य प्रदेश के व्यंजनों का उसमें शामिल किए जाएँ, जो बेस्ट हमारे क्विजेन हैं पूरे MP के, उन सभी को शामिल किया जाए। उसके लिए जो कैटरर्स को बुलाया था, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वर्किंग करें। उसी में जनप्रतिनिधियों की भी एक टीम, जनप्रतिनिधियों ने बोला है कि वो उसमें देंगे, जो उस क्विजेन्स को डिसाइड कराएंगे, जाकि MP का रिप्रेजेंटेशन रहे फूड में भी। तो ऐसे सभी अलग अलग पॉइंट जो हमारी इवेंट एजेंसी आई है, उसके साथ अभी फर्दर मीटिंग्स हैं, पूरा वेन्यू देख लें और कहाँ क्या करना है उनको बदला दिया जाए उनको। तो ऑनरेबल CM के 22 तारीख के आने के पहले जो प्री उनकी इवेंट तैयारियां हैं, उसके लिए बेसिकली हम लोग आए हैं आज, ताकि सभी एजेंसीज को क्या कार्य करना है ज्ञात रहे, जनप्रतिनिधियों की जानकारी में रहे किस प्रकार का इवेंट है ये, क्या क्या इसमें होना है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना कार्य कर ही रहा है, उसको जहाँ सपोर्ट की आवश्यकता हम हमारी एजेंसी से। बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे इवेंट उसको लेकर किस तरह की ब्रांडिंग के लिए जो हमारी एजेंसीज आई हैं, उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट कट आज लेके आई थी जो हम उन्होंने स्क्रॉल कराया है, ये सभी चीज़ें जो फाइनल होंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल से होंगी, जब ऑनरेबल CM के लेवल से दिखाने के बाद उसमें जो भी संशोधन बतलाए जाएंगे या जिसमें सीनियर ऑफिसर्स देखेंगे उसका जो होगी, उसकी कॉमन ब्रांडिंग हम लोग शहर में कराएंगे जो फाइनल होंगी। होटल्स हो गए, जो होटल एसोसिएशन ने बोला है कि जो गेस्ट आ रहे हैं, जो डेली बॉम्बे में भी ठहर रहे हैं या बाकी शहरों में ठहर रहे हैं, वहाँ भी होटल्स में इसकी ब्रांडिंग वो लोग अपने होटल एसोसिएशन के माध्यम से कराएंगे। जो हमारे अलग अलग एसोसिएशन हैं इंदौर के, मॉल्स हैं, बाजार एसोसिएशन है या फूड जोन एसोसिएशन हैं, वहाँ भी वही पाए, तो सिमिलर ब्रांडिंग जब एक जगह फ्लो करेगी पूरे शहर में, तो एक अलग वातावरण बनेगा कि हाँ कोई बड़ा इवेंट शहर में हो रहा है।